अयोध्या में जमीन रामलला की है। कोर्ट से आए इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी एक फैसला लिया है। सरकार अब मध्य प्रदेश में सभी 378 नगरीय निकायों में रामलीला का आयोजन कराएगी। रामलीला कार्यक्रम का आयोजन सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह ने रायसेन जिले में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सरकार अब मध्य प्रदेश में सभी 378 नगरीय निकायों में रामलीला का आयोजन कराएगी। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सभी 378 नगर पंचायतों द्वारा पालिकाओं और नगर निगमों में रामलीला मंचन की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत शासन अब इन सभी जगह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन अपने खर्च पर करेगी। हमारा ये सपना है कि रामलीला जो पीढ़ियों से हमारे गांव में बड़े कस्बों में आयोजित होती रहती है, मेरी इच्छा ये है कि हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में कुल 378 नगरीय निकाय हैं। हमारा सपना ये है कि हर निकाय में प्रति साल रामलीला आयोजित हो, क्योंकि आज जब मैं बरेली शहर में मेरा प्रवेश हुआ तो मैंने देखा स्वागत किया गया था हिंदू उत्सव समिति से, और वहाँ मैदान था रामलीला का, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी हम राशि इसके लिए देंगे, और मेरी ये इच्छा है कि ऐसी योजना हम हर शहर में लागू करें। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बाड़ी विकास खंड के बरेली में आयोजित शिविर में कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री हर्ष यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल हुए तथा प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बरेली में विकास खंड स्तर शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बरेली में 50 करोड़ से अधिक राशि के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।